हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी व्याकरण भी बोर्ड एग्जाम के लिए रस छंद अलंकार। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो रस छंद अलंकार बिल्कुल सिंपल भाषा में और वो भी ट्रिक के साथ। तो देखो, ये जो रस है और ये अलंकार है, ठीक है, इन चीज़ों को आपको तैयार करना है और कौन कौन से रस छंद को तैयार करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस रस और छंद अलंकार को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो इस वीडियो को, तो आपका हिंदी में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो ही ऐसी है, उस तरह चीज़ों को लिया गया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिस साल ये चीज़ें ना पूछी गई हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी रस की बात करेंगे, इसमें से 2 रस के बारे में बात करेंगे हम, एक हास्य रस और एक करुण रस। ये आपका 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद रस कौन सा देखेंगे, हास्य रस और करुण रस। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहला हमें शुरुआत करना है रस से। अब देखो, रस का जो सबसे जो मेन चीज़ें होती है वो आपको याद करना है। रस का जो स्थायी भाव होता है, अगर आप स्थायी भाव जान जाते हो यार, तो आप दुनिया का कोई भी रस को इजीली लिख पाओगे। ठीक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है, और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम हास्य रस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। देखो, हास्य को आपको ब्लैक पेन से लिख देना है क्योंकि ये इसका स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, जब हास्य नामक स्थायी भाव, अब ये चीज़ें सभी अलग इसमें लिखना पड़ता है रस में, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर या संयोग करता है, तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है या हास्य रस होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो मात ही पिता उरिन भयनी के, गुरु रिड़ रहा सोच बढ़ जी के। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम करुण रस की बात कर लेते हैं। यार गाइस, नेक्स्ट है करुण रस। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से करकर इस तरह से कौवा ऊपर लगा देना है। जब यहाँ करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। देखिए, इसमें भी जो इसका नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव सब रस में होता है। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, करुण रस। अब इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ईजिली देख लीजिए, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात करने वाले, इससे आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उपमा अलंकार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, उपमा अलंकार, ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समानता या तुलना की मतलब कि ये आदमी बिल्कुल आपकी जैसा का है। ठीक है, तो आपसे क्या किया जा रहा है, समानता किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण हम देखेंगे कि पीपल पात सरिस मंडोला। देखो, यहाँ पे पीपल के पत्ते की जो तुलना की गई है वो मनुष्य के मन से की गई है। ठीक है, तुलना या समानता किया गया है। तो स्पष्टीकरण में आप इस तरह से लिख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरण में मनुष्य के मन की तुलना या समानता पीपल के पत्ते से की गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अलंकार जो है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, इसको ट्रिक से समझेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, यानी कोई भेद ना हो, आरोप किया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार। तो इसको ब्लैक पेन से इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरि राई। ठीक है, यानी कि जो भगवान श्री राम जी हैं उनके चरण को ही यहाँ पे कमल मान लिया गया बिना कोई भेद के। ठीक है, तो ये हरि के चरण को या पैर को ही कमल मान लिया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु जानो, मनहु मानो इत्यादि शब्द जरूर आते हैं। ठीक है, इसमें संभावना किया जाता है। उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। ठीक है, तो इसमें देखो, ये मानो शब्द जो है इसमें आया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हैं इसका स्पष्टीकरण कि उपयुक्त उदाहरण में नेत्र की कल्पना या संभावना कमल से की गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है छंद, ठीक है। तो इस वीडियो में यार दोहा छंद और सोरठा छंद के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले दोहा छंद के बारे में बात करने वाले हैं, इसको बिल्कुल ट्रिक से हम समझेंगे, ठीक है। ये ट्रिक क्या है कि अगर इस ट्रिक को आप लगाते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको 101% मार्क्स मिलेंगे और आप जीवन में भी इस दोहा छंद को नहीं भूल पाओगे। गाइस दोहा छंद, ठीक है, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में दोहा छंद में मैं एक ट्रिक आपको अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसके जो परिभाषा है उसको देख लीजिए, इसके बाद जो मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर उस ट्रिक को आप जान गए तो दोहा छंद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ये एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दोहा छंद याद रखना है, यानी आप जिंदगी भर न भूलो, आपसे कोई मिस्टेक ना हो, तो आप इस शब्द को याद रखो। अब देखो ये 2 तेग क्या है, ठीक है। 2 मतलब आपका हो गया दोहा, ते का मतलब कि पहले इसमें कौन कौन से मात्राएं हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तो ते का मतलब 13-13, और ग का मतलब है कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखो यहाँ पे इस तरह से भी आप समझ, ये 2 है, ठीक है, 2 प्लस ये ग मतलब 11 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13। तो जो सबसे पहले लिखेंगे वो 13-13 मात्रा लिखेंगे। ये बहुत स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहले 13-13 मात्राएं होती है, उसके बाद 11-11। पहले हम तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको ये मात्रा को किस तरह से लगाया जाता है उसको भी बताऊंगा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नतियों को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कुसुम। देखो इसमें 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये 4th चरण, ठीक है। अब देखो इसको किस तरह से हम इसके मात्रा को दिखाएंगे। देखो यहाँ पे दीर्घ, दीर्घ मतलब गुरु, ठीक है, जो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ओ की मात्रा है, आय की मात्रा है, ई की मात्रा आय, तो इसके लिए हम इस तरह का सिंबल लिखते हैं, कुछ यस नुमा होता है, ठीक है। और अगर छोटी मात्रा है, छोटी ई का, छोटी ई का, ऊ छोटी ऊ का, अ का, तो इसके लिए इस तरह का सिंबल लिखते हैं, ठीक है, केवल एक खड़ी पाई। तो इसका मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ों को समझ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे है निज भाषा उन्नति है। अब देखो निज, ठीक है, ये कौन सी ई की मात्रा है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, इधर की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा, इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और अ की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा के लिए क्या लिखते, 1, 1। आ की मात्रा है, देखो इसमें आ की मात्रा के लिए, आ की मात्रा क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे आ की मात्रा के लिए भी ये अप्लाई होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला सिंबल, और ये भी आ की मात्रा है तो ये वाला सिंबल, ये अ का मात्रा तो 1। देखो यहाँ पे उन्नति है, ठीक है, तो उन्नति क्या है, आधा न पूरा नति, इसके लिए 2 का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इधर का एक छोटी की मात्रा है, आप देख सकते हो इधर का, तो इसके लिए 1 का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अ है तो अ के लिए 1, और ऐ की मात्रा है तो इसके लिए इस यस वाले 2 का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें अ की मात्रा है तो 1, 1। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा तो 1, यहाँ आधा न है और पूरा न है तो 2 इसके लिए। और देखो यहाँ ये छोटी की मात्रा है तो इसके लिए 1 का प्रयोग करेंगे, और ओ की मात्रा है तो इसके लिए 2 का प्रयोग कर देंगे, और ये मूल इधर का है, ठीक है, बड़ा ऊ का मात्रा है तो इसके लिए 2 का प्रयोग करेंगे और इसके लिए 1 का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ओ की मात्रा के लिए भी है। अब देखो इन्होंने बताया कि पहले हम तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, ठीक है, तो पहले में हम देख लेते 13 है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो पहले चरण में कितना है 13, और तीसरे में 13 बता रहा है, ठीक है। अब तीसरे को भी दिखा लेंगे, ये इधर की मात्रा छोटी की तो 1, इसका अ का मात्रा तो 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ये आ की मात्रा इसका 2, ये आ की मात्रा इसका 2, ये आ की मात्रा इसका 2, ये अ का मात्रा इसका 1, ये ए का मात्रा इसके लिए 2 का प्रयोग कर देंगे। अब इसको गिनते हैं, अभी गिनेंगे, इसके बाद मीटे, ठीक है, मीटे जी इधर की है, छोटी की मात्रा है तो इसके लिए 1 का प्रयोग करेंगे, ए की मात्रा है तो इसके लिए 2 का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, फिर 1, फिर ये ही है, ठीक है, ये भी छोटी है, इसके लिए 1 का, और इसके लिए भी 1 का प्रयोग करेंगे,
और ओ का मात्रा, तो ओ के लिए दो का प्रयोग करते हैं। ये बड़ा ऊ का मात्रा है, इसके लिए दो का और इसके लिए एक का। अब देखो इन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले में तीसरे चरण में तेरह तेरह, तो हमने पहला गिन लिया और तीसरा गिन लेते हैं कि तेरह है कि नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया दूसरे और चौथा में ग्यारह ग्यारह मात्रा, ये दूसरा और ये चौथा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है ग्यारह है। अब इसमें चौथे में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह है। इसके बाद हम देखेंगे सोरठा छंद, ये भी ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। सोरठा के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख ले। यह अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती है। ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है, इस दोहे वाले का ये बिल्कुल उल्टा होता है, ये चीज़ आपको लिखनी। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है सो गते, ठीक है। ये सो गति का मतलब हो गया कि सो का मतलब सोरठा, और सोरठा में पहले क्या आ रहा है, पहले ग्यारह ग्यारह मात्रा है, उसके बाद तेरह तेरह मात्रा है। अब इस चीज़ को देखो, ये अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण थे, जिसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह, तो पहले ग्यारह आया और तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएँ होती, ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है सुनी कीवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे भिषे करुणा ऐन चीते लखत जानकी तर। तो देखो ये छोटा ऊ की मात्रा इसके लिए एक, छोटा ई की मात्रा इसके लिए एक, ये ए की मात्रा इसके लिए दो, इसके लिए एक, इसके लिए एक, ठीक है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए एक, ये ए की मात्रा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए मात्रा के लिए इस एस वाले सिंबल का यूज किया जा रहा है। अब देखो ये प्रेम है, ठीक है, इसके लिए दो का एक की मात्रा है और इसके लिए एक का, इसके लिए एक का, इसके लिए एक का मात्रा के लिए दो का, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए दो, ठीक है। अब यहाँ पे बीहसे है, ये छोटी की मात्रा, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए दो, इसके लिए अब प्रयोग करेंगे एक। अब देखो ये छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे एक, ये आ की मात्रा इसके लिए दो, अ की मात्रा एक एक एक, ये छोटी ई है इसके लिए एक, ये ए की मात्रा इसके लिए दो, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए दो, इसके लिए एक, और देखो ये ई की जो मात्रा है ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे प्रयोग, दो का प्रयोग करेंगे और इसके लिए एक एक। अब देखो गिनते हैं, इन्होंने बताया कि जिसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह, तो पहला गिन लेते कि ग्यारह है कि नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है, और तीसरे चरण में भी ग्यारह होना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है, पहले और तीसरे में ग्यारह ग्यारह तथा दूसरे और चौथे में ये तेरह तेरह मात्राएं होती, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है, यहाँ पे तेरह हो गए। अब देखो ये इसको गिन लेते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है, तेरह मात्राएं इसमें। अगर ये चीज़ों को आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका छः नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।